Hey guys, welcome to Allround Learning. So in the last few videos, we have discussed about ratio and proportion, where we have discussed different type of questions which are very important from competitive exams point of view. Today we'll again discuss few other questions which are again related to ratio and proportion, and this would be last video of this topic. So without any further delay, let's move toward our today's topic that is ratio and proportion. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटिटिव एग्जाम्स पार्ट फोर सो फर्स्ट क्वेश्चन है राम के पास केवल मुर्गी और भेड़ है सभी के सिरों की संख्या अठतीस तथा पैरों की संख्या सौ है मुर्गियों और भेड़ों की संख्याएं किस अनुपात में हैं तो यहाँ पे प्रश्न बिल्कुल सीधा सा है राम कोई व्यक्ति है और उनके पास मुर्गियाँ और भेड़ें हैं और इसमें हमें ये बताया गया है कि सभी के सिरों की संख्या अठतीस है अब ये बातों सभी जानते हैं कि मुर्गी हो या भेड़ हो या कोई भी जानवर हो सभी के सिरों की संख्या एक ही होती है ठीक है यानी हर एक जानवर का एक ही सिर होता है यानी जितने सिर होंगे उतने ही वो जानवर होंगे यानी कुल मुर्गियां और भेड़ों की संख्या है अठतीस दूसरा जो चीज यहाँ पे बोल रहे हैं वो ये है कि पैरों की संख्या सौ है अब यहाँ पे चीजें थोड़ी वेरी करती हैं मुर्गी के दो पैर होते हैं और भेड़ों के चार पैर होते हैं तो इसी आधार पर हमें दूसरी स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है और प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि मुर्गियों और भेड़ों की संख्याएं किस अनुपात में हैं तो चलिए इसको हल कर लेते हैं तो सबसे पहले हम भेड़ों की संख्या और मुर्गियों की संख्याएं मान लेंगे तो मुर्गी की संख्या हमने मान ली एक्स और भेड़ों की संख्या हमने मान ली वाई तो अब हमारे पास पहली कंडीशन क्या है तो यह है कि सभी के सिरों की संख्या अठतीस कुल मुर्गियां और भेड़ों की संख्या है अठतीस वाईल टू थर्टी एट ये होगी हमारी इक्वेशन दूसरी कंडीशन है पैरों की संख्या है सौ अब देखिए इसको कैसे हम लिखेंगे हमारे पास कुल जो मुर्गियां हैं वो है x ठीक है जी और हर एक मुर्गी के दो पैर होंगे तो x मुर्गियों के हो जाएंगे दो एक्स पैर ठीक है और वैसे ही हमारे पास कुल भेड़े हैं वाई और हर एक भेड़ के कितने पैर होते हैं तो होते हैं चार यानी भेड़ों टू एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू हंड्रेड और यहाँ पे टू कॉमन है तो टू को हम एलिमिनेट कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फिफ्टी और ये हमारी होगी इक्वेशन टू अब यहां से हम क्या करेंगे हम इक्वेशन टू से इक्वेशन वन को घटा देंगे इससे क्या होगा जो एक्स है वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी यानी टू माइनस वन अगर हम करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सिंपली y इक्वल टू ट्वेल्व ठीक है अब यहाँ से हम क्या करते हैं हम x की वैल्यू निकालते हैं हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में डाल देंगे और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा तो हमें मिल जाएगा x प्लस ट्वेल्व इक्वल टू थर्टी एट और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी ट्वेंटी सिक्स तो देखिए अब हमारे पास भेड़ों और मुर्गियों की संख्याएं पता लग चुकी है तो अब हमें सिंपली क्या करना है इनकी संख्याओं का अनुपात निकालना है तो अनुपात कैसे निकालेंगे तो हम निकालेंगे x एक्स अपॉन वाई करके यानी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स अपॉन ट्वेल्व यानी थर्टीन बाई सिक्स और यहां से हम सिंपली बोल सकते हैं एक्स रेशो वाई इक्वल टू थर्टीन रेशो सिक्स और ये हमारा आंसर आ चुका है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है क्वेश्चन है 15 ratio, 19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या को घटाया जाए कि अनुपात तीन अनुपात चार हो जाए यहाँ पे ऑप्शंस भी दे के रखे हैं ऑप्शंस हैं नाइन सिक्स थ्री या फिर फोर तो देखिए प्रश्न बिल्कुल ही आसान है समझने के लिए प्रश्न में ये बताया गया है कि कोई दो संख्याएं हैं और उनके बीच अनुपात है पंद्रह अनुपात उन्नीस का और हमसे यह पूछा गया है कि ऐसी कौन सी संख्या को इन दोनों संख्याओं से घटाया जाए कि इनके बीच नया अनुपात तीन अनुपात चार बन जाए ठीक है तो बहुत ही आसान है चलिए इसको हल करते हैं सबसे पहले हमें दो संख्याएं जो है वो हम की निकाल देंगे जो संख्याएं वो बन जाएगी पंद्रह एक्स और उन्नीस एक्स ठीक है और यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे अब डायरेक्टली तो हम सिंपली जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को एग्जैक्टली exactly निकालना पड़ेगा और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें एक्स की मान लिखनी पड़ेगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम एक्स इक्वल टू वन ले लेते हैं तो एक्स इक्वल टू वन लेने पर हमारे पास दोनों नंबर्स आ जाएंगे पंद्रह और उन्नीस तो कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जिसको घटाने पर हमें थ्री रेशो फोर मिल जाए मिलता है या नहीं मिलता है इसको हम चेक कर लेते हैं तो देखिए यदि हम पंद्रह और उन्नीस से एक घटाते हैं तो हमारे पास जो नई संख्याएं आएंगी वो आएंगी फोर्टीन और एटीन ठीक है और फोर्टीन और एटीन में कहीं से भी हम थ्री रेशो फोर बना नहीं सकते हैं और यदि अब हम यहाँ से टू सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों संख्याओं से तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलता है थर्टीन और सेवनटीन अगेन थर्टीन और सेवनटीन से हम थ्री रेशो फोर नहीं निकाल सकते हैं अब बात करते हैं यदि हम संख्या तीन एलिमिनेट करते हैं ठीक है पंद्रह और उन्नीस से यदि हम तीन घटाते हैं तो हमारे पास संख्याएं आएंगी बारह और सोलह और आपको पता है बारह और सोलह में फोर कॉमन है और हमारा जो आंसर है वो यहाँ से बन सकता है ठीक है तो हम सिंपली क्या करेंगे हम तीन को सब्ट्रैक कर लेंगे बहुत नंबर से और हमारे पास नए नंबर्स आ जाएंगे बारह और सोलह ठीक है और बारह और सोलह का अगर हम रेशो निकालें तो वो आता है थ्री रेशो फोर फोर थ्री जो होता है ट्वेल्व एंड फोर फोर जो होता है सिक्सटीन अभी यहाँ पे हमारा आंसर वैसे आ चुका है जो हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा लेकिन अभी क्या बोला मैंने कि हम थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा और कंडीशन लगा के देखेंगे एक्स की वैल्यूज पे ठीक है तो एक्स की वैल्यूज जब हम टू लेंगे तो हमारे पास नए नंबर्स या मतलब सिंपली जो नंबर्स हैं वो क्या बन जाएंगे वो बन जाएंगे थर्टी और थर्टी एट और यदि हम थर्टी और थर्टी एट से सिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे ट्वेंटी फोर और थर्टी टू और ट्वेंटी फोर और थर्टी टू में हम देखेंगे तो बोथ में एट कॉमन है और रेशो अगर यदि हम निकालते हैं तो वो आता है फिफ्टी तो सेवन में यदि हम नाइन को सब्ट्रैक्ट करते हैं ठीक है जो कि ऑप्शन में देख रखे हुए हैं तो हमारे पास जो नंबर आते हैं वो आते हैं थर्टी सिक्स और फोर्टी एट और इसमें भी ट्वेल्व कॉमन है और यदि हम इनका रेशो लेते हैं तो वो भी अगेन थ्री रेशो फोर आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये मामला है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा क्योंकि हमारे पास तीनों ऑप्शन वैलिड हो रहे हैं तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है एक्स के जिस मान पे हमारे पास सबसे पहले आंसर आएगा वही इसका आंसर भी होगा हमारा जो आंसर है वो आ रहा है एक्स इक्वल टू वन पे सबसे पहले आ गया तो हम कोई अदर ऑप्शन जो है वो चेक नहीं करेंगे ठीक है और हमारा जो आंसर होगा सिंपली वो हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक है ये उस केस में है कि जब हम सिंपली जो ऑप्शंस होते हैं उनको ही डायरेक्टली चेक करते हैं और उनसे आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं वहां पे ऐसी कंफ्यूजन आ जाती है ठीक है तो उस केस में आपने ये याद रखना है कि जिस छोटे से छोटे एक्स की वैल्यू से हमारा जो आंसर है वो निकल रहा है हम वही ऑप्शन लेंगे ठीक है तो यही हमारा जो आंसर सी है वो हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर थ्री है ए रेशो बी इक्वल टू टू रेशो थ्री और बी रेशो सी इक्वल टू फोर रेशो फाइव और हमें क्या निकालना है हमें निकालना है ए स्क्वेयर रेशो बी स्क्वेयर रेशो बी सी तो सिंपली यहाँ से सबसे पहले जो जो चीजें हमें दी गई हैं उनको हम लिख लेंगे तो हमारे पास दिया गया है ए रेशो बी तो ए रेशो बी दी है टू रेशो थ्री और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन वन और वैसे ही बी रेशो सी हमारे पास दिया गया है फोर रेशो फाइव और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन टू अब देखिए यहाँ पे हमने पिछले कुछ में हमने जाना था कि ऐसी कंडीशन में जो सेम नंबर होता है उसका रेशो सेम रहना चाहिए अब यहाँ पे जो सेम नंबर है वो है बी और बी के अगर रेशोज देखें तो वो है थ्री और फोर तो सबसे पहले हमें इन्हें इक्वल बनाना पड़ेगा तो इक्वल हम कहाँ बनाएंगे ये बनते हैं इक्वल ट्वेल्व पे तो सिंपली हम क्या करेंगे हम इक्वेशन जो वन है उसको हम चार से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वेशन टू को हम थ्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो हमारे पास न्यू जो रेशोज आएंगे वो क्या जाएंगे ए रेशो बी आ जाएगा एट रेशो ट्वेल्व और वैसे ही बी रेशो सी आ जाएगा ट्वेल्व रेशो फिफ्टीन और यहां से हम सिंपली ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं तो ए आ जाएगा एट एक्स बी आ जाएगा ट्वेल्व एक्स और सी आ जाएगा हमसे हम पूछा गया है ए स्क्वेयर रेशियो बी स्क्र रेशियो बी सी तो इसको हम कैसे निकालेंगे तो एट जो है उसका स्क्वेयर होता है सिक्सटी फोर और वैसे ही एक्स का स्क् होगा एक्स और बी इक्वल टू ट्वेल्व एक्स है तो बी स्क्र हो जाएगा वन फोर्टी फोर एक्स स्क् और वैसे ही बीसी की वैल्यू हो जाएगी वन एटी एक्स स्क्सर भी कॉमन है और फोर भी कॉमन है तो इनको हम एलिमिनेट कर लेंगे और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा सिक्सटीन रेशो थर्टी सिक्स रेशो फोर्टी फाइव और यही हमारा आंसर है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर फोर दो संख्याओं में पांच अनुपात सात का अनुपात है दोनों संख्याओं में से 40 घटाने पर वे 17 अनुपात 27 के अनुपात में हो जाती हैं इन संख्याओं का अंतर क्या है तो सिंपली हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं और उनके बीच का जो अनुपात है वो है पाँच अनुपात सात और हमसे ये पूछा गया है कि यदि हम दोनों संख्याओं में से चालीस घटा देते हैं तो उन संख्याओं में अनुपात सत्रह अनुपात सताइस हो जाता है और इन दोनों संख्याओं में अंतर हमें ज्ञात करना है ठीक है तो दोनों संख्याओं में अंतर हम तभी निकाल सकते हैं यदि हमारे पास दोनों संख्याएं होंगी और उन दोनों संख्याओं को हम इन दोनों रेशोज की सहायता से निकालेंगे तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा फाइव और सेकेंड नंबर हो जाएगा सेवन अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे बोला गया है कि यदि हम दोनों नंबर्स में से 40 को घटा दें तो जो नया रेशो आता है वो आता है सेवनटीन रेशो ट्वेंटी यानी फाइव एक्स माइनस फोर्टी डिवाइडेड सेवन एक्स माइनस फोर्टी टू सेवनटीन डिवाइड बाई ट्वेंटी सेवन तो सिंपली अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा तो हमें मिलेगा ट्वेंटी सेवन इंटू फाइव एक्स माइनस फोर्टी इक्वल टू सेवनटीन इंटू सेवन एक्स माइनस फोर्टी अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ब्रैकेट को ओपन करने पे हमें मिलेगा वन थर्टी फाइव एक्स माइनस थाउजेंड टू वन हंड्रेड नाइनटीन एक्स माइनस सिक्स हंड्रेड एटी अब हम एक्स वाली टर्म्स एक तरफ ले आएंगे और नॉन एक्स वाली टर्म्स एक तरफ तो हमारे पास क्या बनेगा वन थर्टी फाइव एक्स माइनस वन हंड्रेड नाइन एक्स इक्वल टू थाउजेंड एटी माइनस सिक्स हंड्रेड एटी तो सिंपली इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा सिक्सटीन एक्स इक्वल टू फोर हंड्रेड और यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी फाइव तो देखिए अभी हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है अब हम सिंपली फर्स्ट और सेकंड नंबर को निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारे पास 125 और वैसे ही सेकंड नंबर हो जाएगा 175 तो हमसे अब पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है दोनों संख्याओं के बीच में अंतर क्या होगा तो सिंपली दोनों संख्याओं के बीच अंतर हो जाएगा पचास का तो यही हमसे पूछा गया था और हमारा आंसर आ चुका है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन बहुत ही आसान भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है क्वेश्चन में हमें दिया गया है दो नंबर्स के जो सम है उनके बीच का रेशो यानी ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए इक्वल टू दिया गया है सिक्स रेशो सेवन रेशो एट और साथ में हमें दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू और जो की दी गई है फोर्टीन और हमसे ये पूछा गया है कि सी की वैल्यू क्या है तो सिंपली जो जो चीजें हमें दी गई हैं पहले हम उनको लिख लेंगे हमें दिया गया है ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए की वैल्यू तो हमें दी गई है ए प्लस बी इक्वल टू सिक्स एक्स इसको हम इक्वेशन वन मान लेंगे बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है सेवन एक्स इसको इक्वेशन टू मान लेंगे सी प्लस ए की वैल्यू दी गई है एट एक्स इसको इक्वेशन थ्री मान लेंगे और वैसे ही साथ में हमें दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू और वो दी गई है फोर्टीन इसको हम इक्वेशन फोर मान लेंगे अब हम सिंपली क्या करेंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन वन टू और थ्री को ऐड कर लेंगे तो इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी और इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्वेंटी वन एक्स और यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे इक्वेशन फोर से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू डाल देंगे यानी टू इंटू फोर्टीन इक्वल टू ट्वेंटी वन एक्स और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर बाई थ्री अब देखिए सिंपली हमें सी की वैल्यू निकालनी है और हम सी की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू फोर्टीन से यानी इक्वेशन नंबर फोर से और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और जो कि हम इक्वेशन वन से निकाल सकते हैं हम सिंपली इक्वेशन वन में एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे और वहां से हमें क्या मिलेगा हमें ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी एट अब हम सिंपली क्या करेंगे इसको इक्वेशन फोर में पुट कर लेंगे यानी एट प्लस सी इक्वल टू फोर्टीन और यहाँ से सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी सी इक्ल टू सिक्स तो हमारा आंसर आ चुका है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो ये वीडियो का अंतिम प्रश्न होने वाला है प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है प्रश्न है पांच आम और चार नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना कि तीन आम और सात नारंगी का मूल्य है प्रश्न ये है एक आम तथा एक नारंगी के मूल्य का अनुपात ज्ञात करें तो सिंपल प्रश्न जो समझने लायक वो है कि पांच आम और चार नारंगी उतने ही मूल्य या उतनी ही वैल्यू रखते हैं जितने तीन आम और सात नारंगी रखते हैं हमसे ये पूछा गया है एक आम और एक नारंगी के मूल्य के बीच का अनुपात ठीक है तो हम यहां पर हम सिंपली आम और नारंगी के मूल्यों को अलग अलग मान लेंगे और उसकी सहायता से हम जो इक्वेशन बनती है उसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली आम का मूल्य हम मान लेंगे एक्स और नारंगी का मूल्य मान लेंगे वाई

और हमसे अब पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है एक आम और एक नारंगी के मूल्य का अनुपात तो हम सिंपली क्या करेंगे एक्स और वाई को एक तरफ लेंगे यानी एक्स अपॉन वाई क्योंकि वाई हमारा यहाँ पे गुना हो रहा था तो इस तरफ इक्वल टू के जाने पे ये डिवाइड हो जाएगा यानी एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हो जाएगी थ्री बाई टू और डायरेक्टली हमारे पास रेशो आ चुका है एक्स रेशो वाई इक्वल टू थ्री रेशो टू और यही हमारा आंसर है सो so गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और इस तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हाँ अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में